मैं तीनों सेक्टर के लोगों को एड्रेस करूंगा टॉपर जनता जो लोग ऑलरेडी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो अंडर ग्रेजुएट के ऊपर जाना चाहते हो मेरी एडवाइस है हर तरह के बच्चे के लिए ठीक है सुनो पहली बात इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर सबके लिए लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सर इंटेंसिव तैयारी करूँ कि टर्बो तैयारी करूँ मैं आपको वो एडवाइस करूंगा जो मैं अपने खुद के बच्चे को तैयारी करूँगा हमारे कैटकिंग के अंदर कोर्सेज का नाम भी ऐसे होता है इंटेंसिव टर्बो अगर तो तुम बहुत ही बढ़िया कॉलेज के बंदे हो एन के हो आई के हो एस आर के हो स्टड बच्चे हो पहले ही बहुत फाड़ा हुआ है जेई प्रिपरेशन किया हुआ है आई टी बॉम्बे टैग लगा हुआ है डी लगा हुआ है तो आप सिर्फ आई की तैयारी करिए उसके साथ साथ एक दो एग्जाम दे सकते हैं बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आई के नीचे मत जाना मैंने कल आपको चैट पढ़ के दिखाई थी लड़का एक आई कानपुर का एम है वैसे वो वो बंदा आई एम काशीपुर जा रहा था इट टू वी थर्टी मिनट ऑफ टाइम टू गेट न कॉल विद हिम और मैंने उसका आई एम काशीपुर छुड़वा दिया कि भाई तू ऑलरेडी आई का आया क्या कर रहा है तो बंदे ने छोड़ दिया अभी एंड ही वॉज ऑलरेडी नाइनटी सिक्स परसेंट आई लॉट हाँ बाकी उससे कन्वर्ट एस पी जे बॉम्बे भी कॉल थी तो एनविच विज माई एडवाइस टू यू इज प्रिपेयर टर्बो एंड गिव इट बट कई अच्छे बच्चे क्या करते हैं साथ में टॉपर बच्चे जो एनआई टी आई टी के जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो जैट भी चले जाते हैं एक्जल ड्राई भी चले जाते हैं और और दूसरी बात आई एफ टी भी चले जाते हैं तो so, मेरी एडवाइस इज फॉर यू टू गाइज आप लोग क्या करेंगे जो हर साल मेरे बच्चे देते हैं इस बार हम लोग चेक करते टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस स्टूडेंट्स आर और, और गिव अवे के रिजल्ट्स आगे मैं अनाउंस करूंगा अभी ठीक है और, और जो लोग प्रिपेयर वेल हो कैट दीजिए अगर कैट अच्छा चला गया नवंबर दिसंबर जैन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा जैन फेब में आप लोग जी की तैयारी करेंगे नाउ लिसन टू मी जैट और आईफ दोनों एग्जाम साथ में देंगे लोन की बात भी करता हूँ थैंक्स कार्तिक फॉर रिमाइंडिंग में नॉन इंजीनियर्स गो इंटेंसिव तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुम नालायक हो ऐसा नहीं है एक इंजीनियर बड़े धक्के खा चुका होता है अपने मम्मी पापा के बड़े पैसे वेस्ट कर चुका होता है मैं भी आईआईटी की तैयारी पाँच लाख दिए थे हमारे जमाने फिट जी होता था फिट जी फिट जी को पैसे दिए अभी पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं आजकल कोचिंग वोचिंग तो हम लोग पाँच पाँच लाख देते मम्मी पापा के छित्र पड़ चुके होते हैं डिप्रेशन में भी जा चुके होते हैं नॉन इंजीनियर बच्चा इतना डिप्रेशन में गया नहीं होता है इन द सेवनटीन एटीन टाइम मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ वैन इज वेन कम्स टू पढ़ाई ड्यू गैस एग्री हाँ ड्यू गैस एग्री तो नॉन इंजीनियर बच्चा अगर तुझे लगता है कि मुझे आई एम तो टारगेट करना है आई एम टारगेट कर डेफिनेटली टारगेट कर पर उसके साथ स्नैप एनमैट सीटी सीमैट टिस्नेट भी खोल के रख सिंपल रीजन है जो बच्चे नॉन इंजीनियर हो इन कॉलेज के अंदर सिम्बिस के अंदर आप लोगों के जैसे बच्चे बैठे हुए हैं हाईएस्ट वेटेज जैसे आई एम बैंगलोर आई एम कलकड़ा के अंदर इंजीनियर भर भर के हैं आई एम अहमदाबाद के अंदर नॉन इंजीनियर्स भर भर के अंदर नॉन इंजीनियर्स भर भर के लखनऊ में बैंगलुर में कम है तो पे अगर आप रेशियो देखोगे टचिंग फोर्टी सिक्सटी फिफ्टी फिफ्टी के आसपास है नॉर्थ सिमजी का भी यही हाल है कोटा फॉर वुमेन सुनो थर्टी परसेंट कोटा फॉर वुमेन समझ आ रही है एफ ने भी इस बार पांच नंबर एक्स्ट्रा देने शुरू किए और 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 जैद एक्जिलई अलग लिस्ट निकालता है वुमेन कैंडिडेट के लिए बिकॉज वी ऑल वांट मोर वुमेन शुड बी कमिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड दैट्स द रीजन राइट एंड वी ऑल वांट यू ऑल्सो मोर ऑफ यू नो मैं कहीं भी कोर्ट पढ़ रहा था कि <laughs> कि गाड़ी जब खरीदनी होती है उसका जो ब्रांड होता है वो पप्पा डिसाइड करते हैं और जो रंग होता है मम्मी डिसाइड करती है तो मम्मी भी हमारी इंपॉर्टेंट है ना मम्मी भी हमारी इंपॉर्टेंट है एनी विच वेज तो भाई इंटेंसिव तैयारी उनको करनी चाहिए जिनका टेंथ और ट्वेल्थ के अंदर बहुत ही बुरे हाल है मतलब छ छः छः लगा हुआ है आप इंटेंसिव तैयारी करिए मेरी मेरी रिकमेंडेशन रहेगा नेक्स्ट वन अपना बजट देखिए हर बंदे का बजट अलग होता है मैं बोलूँगा मैं बजट पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी पेन पेंसिल और नोटबुक पे कभी पैसे नहीं बचाने पेन पेंसिल नोटबुक पे कभी पैसे नहीं बचाने मैं आपको एडवाइस करूँगा पेन पेंसिल नोटबुक और फॉर्म्स और एप्लीकेशन पर कभी पैसे नहीं बचाने और जिन एक और ऐड करते थे तुम लोगों के पेन पेंसिल फॉर्म्स और लैपटॉप मोबाइल से कई लोग ज्वाइन करते हैं हम्बल रिक्वेस्ट है यार ये हाईएस्ट डिग्री है जो तुम धरती पे लेने वाले हो एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो भाई एक लैपटॉप किसके पास नहीं है लैपटॉप जिस टाइप या है जस्ट टाइप इन मी 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 जिनके पास है जिनके पास है तो अच्छी बात है जिनके पास नहीं है तो एक लैपटॉप पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा माई रिकमेंडेशन लास्ट वन एक बात तो पक्की है कम वॉट में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द पॉसिबल एग्जामिनेशन एंड साइनिंग अप विद मी एज अ अटकिंग फैमिली यूट्यूब फैमिली और द स्टूडेंट्स एंड टेलिंग मी सर अगले जुलाई तक हाँ अभी कॉलेज शुरू हुआ है एम गुड़गांव अभी तक शुरू नहीं हुआ है 22 या 23 जुलाई को शुरू होना है समझ आ रही है सर अगले जुलाई तक मैं सारे एग्जाम्स दूंगा सारे जी डी करूंगा मेरा लेवल दिमाग का ओके ओके है बट आई एम रेडी टू स्लॉग माई एस ऑफ दिन का दो से लेकर तीन घंटे गो इंटेंसिव आई हैव सीन इन माई पास्ट जो बंदे ने गिव अप नहीं किया ना वो किसी ना किसी टॉप कॉलेज के अंदर पक्का पड़ रहा है कैट नहीं हुआ अभी तुमने भगवान के पंजाबी बोलते भगवान के माँ चोरी की मतलब दाल चोरी करी हुई तुमने थोड़ी भगवान की दाल चोरी की हुई है ना कैट uh, नहीं हुआ मैट एन मैट वन एन मैट टू एन मैट थ्री एन मैट नहीं हुआ स्नैप वन स्नैप टू वो नहीं हुआ आई एफ टी वन जैट वन माइ कैट सी टी और कोई मिस हो गया टिस्नेट ऑफ द वर्ल्ड यार इतने तो नलायक तुम भी नहीं हो तुम जानते हो यार है ना कि इतने सारे एग्जाम देंगे हर संडे मम्मी तुम्हें गई में से चक्कर डाल के भेजेगी ले बेटा जा खा एक ना एक तो क्रैक होने ही होना थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव अफेक्शन जिन लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है नीचे कुछ अच्छा कमेंट करके जाया करो इफ यू गाइस रियली अप्रिशिएट माई वर्क एज वेल और आज मैंने काफी इंटरेक्टिव वे तुम्हारे लिए कर रहा है।